हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है पैराबोला बाय पैरेललोग्राम मेथड और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ अ पैराबोला इंस्क्राइबिंग द पैरेललोग्राम ऑफ बेस 100 mm एंड एक्सिस 50 mm इफ द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 70 degrees टू द बेस। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ अ पैराबोला इंस्क्राइबिंग द पैरेललोग्राम। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंस्क्राइबिंग। दो टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं, पहला होता है इंस्क्राइबिंग और दूसरा होता है सरकमस्क्राइबिंग। इंस्क्राइबिंग मतलब अंदर से और सरकमस्क्राइबिंग मतलब बाहर से। तो क्वेश्चन में लिखा है इंस्क्राइबिंग द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर से हमें एक पैराबोला ड्रॉ करना है। और जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम का बेस यहां पे दिया है कितना, 100 mm। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम शेप कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, ये जो पॉलीगॉन हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। ये देखिए, ये फिलहाल हम आपको रफ में यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड इसको पैरेलल है और ये साइड जो है वो इसको पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का बेस यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। बेस कितना दिया है, दैट इज 100 mm का यहाँ पे बेस दिया है। और क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सिस का लेंथ दिया है, देखो एक्सिस कितना दिया है, एक्सिस दिया है 50 mm। एक्सिस यानी ये देखो, ये जो पैरेललोग्राम का यहाँ पे बेस का अगर आप सेंटर पॉइंट लेंगे और ये ऊपर के बेस का भी अगर आप सेंटर पॉइंट लेंगे, तो ये अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये है एक्सिस। देखो ये है एक्सिस, तो ये एक्सिस का लेंथ दिया है, कितना दिया है 50 mm का लेंथ दिया है। और ये जो एक्सिस है ये ऐसा देखो इंक्लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सिस ऐसा इंक्लाइन है। तो ये एक्सिस का एंगल दिया है क्वेश्चन में, देखो एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 70 degrees टू द बेस। ये जो एक्सिस है ये बेस के साथ कितना डिग्री का एंगल कर रहा है, तो ये 70 degrees का एंगल कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये पैरेललोग्राम का पोजिशन दिया है और ये पैरेललोग्राम के अंदर से होते हुए हमें यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ करना है। इंस्क्राइबिंग द पैरेललोग्राम ऐसा लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर से, ये देखो इसके अंदर से ऐसा हमें, इस टाइप का ऐसा हमें पैराबोला ड्रॉ करना है। तो चलो अब हम ये ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड का यूज करेंगे। अब ये पैरेललोग्राम मेथड क्या है, तो इसके पहले जो हमने रेक्टेंगुलर मेथड जो हमने पढ़े थे, बिल्कुल वही मेथड हमें यहाँ पे रिपीट करना है। रेक्टेंगुलर मेथड, इसके पहले नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने लिए जिसमें पैराबोला हमने रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ किए थे, और वो मेथड का नाम था पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मीन्स पैराबोला बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, ये वो मेथड का नाम था। तो रेक्टेंगुलर मेथड में कैसा था कि हमने क्या किए थे, पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट किए थे। देखो रेक्टेंगुलर मेथड में जो किए थे वही आज हमें पैरेललोग्राम मेथड में भी करना है। तो रेक्टेंगुलर मेथड में हमने क्या किए थे, सबसे पहले बेस और हाइट का यूज करके एक ऐसा रेक्टेंगल क्रिएट किए थे, फिर वो रेक्टेंगल को हमने इस तरह से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किए थे, और फिर ये जो हाइट है ये हाइट को हमने यहाँ पे कुछ पार्ट में डिवाइड किए थे। जितने पार्ट में ये हाइट को डिवाइड किए थे उतने ही पार्ट को ये बेस का ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको भी हमने डिवाइड किए थे। देन आफ्टर इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन किए थे, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद यहाँ पे हमें इस टाइप का एक पैराबोला मिल गया था। ये हमने इसके पहले पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड इट मीन्स ऑब्लॉन्ग मेथड में किए थे। बिल्कुल यही प्रोसेस यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम मेथड में ही करना है। इसको पैरेललोग्राम मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है इसलिए इसको पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। यहाँ पे ये जो बना था ये रेक्टेंगल के अंदर था इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मेथड ऐसा नाम दिए थे, लेकिन यही मेथड हमें यहाँ भी रिपीट करना है। अगर आप यहाँ दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है, अगर आप ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसा अगर टिल्ट करेंगे, अगर आप ये रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे झुकाएंगे, ऐसा अगर टिल्ट करेंगे, तो ये ऐसा इस टाइप का पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो मेथड हमें वही रिपीट करना है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे, और पैरेललोग्राम का बेस दिया है 100 mm। तो चलो पहले बेस बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने 100 mm का यहाँ पे बेस लाइन ड्रॉ कर लिया है, और इसको हम नेमिंग दे देंगे, ठीक है। ये बेस लाइन को हम कहेंगे दैट इज लाइन ए बी, ठीक है। हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम क्रिएट करना है, तो ये पैरेललोग्राम का बेस हो गया ए बी। और अब क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का एक्सिस यहाँ पे दिया है, एक्सिस कितना दिया है 50 mm दिया है, और एक्सिस जो है वो 70 degrees से इंक्लाइन दिया है। तो यहाँ पे 70 degrees इंक्लाइन एक्सिस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करना है, और प्रोटेक्टर का यूज करके आपको यहाँ पे 70 degrees का एंगल लेना है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये बेस का मिड पॉइंट ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेस है दैट इज 100 mm का, इसका मिड पॉइंट हम 50 mm पे ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिए, और मिड पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो ये देखिए, प्रोटेक्टर का हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लिया है,
प्रोटेक्टर ये सेंटर पे रखेंगे और यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो ये हमने 70 डिग्री का यहाँ पे एंगल ले लिए और एक काम करेंगे, ये 70 डिग्री का एंगल आप ए और बी दोनों साइड में भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइड्स रहेंगे ये भी 70 डिग्री से इंक्लाइंड रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों साइड में यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे ले लिया है। और अब ये 70 डिग्री एंगल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम की जो साइड्स है और जो एक्सिस है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तीन लाइन यहाँ पे बनेंगी इंक्लाइन, और जो यहाँ पे एक्सिस जो हम बीच में ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ क्वेश्चन में कितना दिया था, 50 mm दिया था। तो चलो ये हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए 70 डिग्री इंक्लाइन पे हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और ए और बी के तरफ भी हमने 70 डिग्री इंक्लाइन पे यहाँ पे पैरेललोग्राम के एजेस जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। और इसका लेंथ कितना है, तो ये लेंथ है 50 mm। ठीक है, और अब हम इसको ऊपर में ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर में ज्वाइन करने से यहाँ पे पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे ये पैरेललोग्राम को नेमिंग भी हम दे देंगे। यहाँ पे बेस में हमने ए और बी ऐसा नेमिंग दिए थे, तो यहाँ पे हम ऊपर नेमिंग दे देंगे सी और डी। तो ये है ए बी सी डी, दैट इज अ पैरेललोग्राम। और ये जो एक्सिस है बीच में, ये एक्सिस को हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम कहेंगे यहाँ पे ओ, और यहाँ पे कहेंगे ओ डैश। ठीक है, नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे तो आप एम और एन ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे नेमिंग चेंज कर लेते हैं। एक्सिस का नाम जो है हम यहाँ पे एम एन ऐसा दे देंगे। ठीक है, एम एन नाम का ये एक्सिस है। ओके, और अब हमें इसके अंदर से, ये पैरेललोग्राम के अंदर से हमें क्या करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। चलो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो जैसा हमने कहा था इसके पहले, जो हमने रेक्टेंगुलर मेथड इट मीन्स ऑब्लॉन्ग मेथड में जो हमने मेथड यूज किए थे, बिल्कुल वही मेथड वही प्रोसेस का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस को डिवाइड करेंगे। देखो ये जो बेस है, टोटल बेस कितना है, तो बेस है टोटल 100 mm। तो इसका हाफ लेंथ कितना है, तो ए से लेके एन ये इसका हाफ लेंथ है, तो ए एन जो है ये है 50 mm। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए एन है हम इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन रूल ये है कि जितने पार्ट में आप ए एन को डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में आपको ये ए डी को भी डिवाइड करना है। देखो ये ए डी का लेंथ क्या है, तो ए डी का लेंथ भी है 50 mm, ये दोनों 50 mm है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये रूल है कि ये दोनों साइड को आपको सेम, दैट इज इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जितने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका लेंथ कितना है, हमने आपको पहले ही बता दिया 50 mm का लेंथ है। तो ये 50 mm लेंथ को हम आसानी से 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 50 mm यानी 5 cm, और जाहिर सी बात है 1 1 cm का एक पार्ट हो जाएगा। तो ये हम डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, हमने ए एन और ए डी को यहाँ पे 5 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब हम इसको नेमिंग दे देंगे, दैट इज नंबरिंग देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, और वो फिफ्थ। उसी तरह से यहाँ पे नीचे से ऊपर देंगे, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, और वो फिफ्थ। इस तरह से हमने यहाँ पे नेमिंग दे दिए हैं। और अब हमें यहाँ पे देखो, ये जो हमने अभी तक जो ड्रॉ किया है, ये आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय इतना आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। इट मीन्स ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेंट। और अब इसके बाद जो है आपको ड्रॉ करने के लिए फेंट पेंसिल का यूज़ करना है, और अब फेंट वर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पे रेड कलर के पेन का यूज़ करेंगे, रेड कलर का पेंट, इट मीन्स फेंट पेंसिल का आपको यूज़ करना है। तो इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो एम है, ठीक है, ये M से ये 1 ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर ये M से 2 ज्वाइन करेंगे, M से 3 ज्वाइन करेंगे, और M से 4 ज्वाइन करेंगे। देखो ये हम आपको ज्वाइन करके बताते हैं। तो ये देखिए, ये हमने M से 1, M से 2, 3, 4 ये सबको हमने ज्वाइन कर लिया है। और अब इसके बाद ये जो नीचे के 1 2 3 4 है, यहां से अब आपको लाइंस ड्रॉ करना है पैरेलल टू द एक्सिस। देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस MN, इसको एग्जैक्टली पैरेलल आपको क्या करना है, ये नीचे का 1 2 3 4, यहां से आपको ऐसी लाइंस ड्रॉ करना है पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो बेस में पॉइंट है 1 2 3 4, यहां से हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस। ये जो एक्सिस है MN, ये 70 डिग्री से इंक्लाइन है, तो ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं ये भी 70 डिग्री से इंक्लाइन हो गई है। ठीक है, और ये हमने एक स्केल से ड्रॉ किए हैं, ये थोड़ा सा प्रॉपरली आया नहीं है पैरेलल, लेकिन जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल परफेक्टली वो आएगा। अब ये ड्रॉ करने का फायदा क्या हुआ, देखो यहां पे ये जो M1, देखो ये जो M1 की लाइन है और ये जो 1 की लाइन है, दोनों यहां पे क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस सेक्शन पॉइंट, पहला क्रॉस सेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज पॉइंट P1। ठीक है, उसके बाद ये M2 और ये 2 की लाइन, दोनों यहां पे क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज P2। उसके बाद ये देखिए, ये M3 की लाइन और ये 3 की लाइन, दोनों यहां पे क्रॉस कर रही है, तो हम इसको कहेंगे P3।
उसके बाद ये M4 की लाइन और ये 4 की लाइन दोनों यहां पे क्रॉस कर रही है, तो ये पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज P4, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे दैट इज P4, ये देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, यहां से हम यहां से पैराबोला का यहां पे कर्व जो है वो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहां से यहां तक अगर हम ड्रॉ करेंगे इनको तो हमें एक हाफ पैराबोला यहां पे मिल जाएगा। लेकिन कंप्लीट पैराबोला यहां पे ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करना है, सेम कंस्ट्रक्शन हमें इधर भी रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर के बॉक्स में हमने यहां पर जो कंस्ट्रक्शन किया है यही कंस्ट्रक्शन अगर हम इधर भी रिपीट करेंगे ये बॉक्स में, तो हमें यहां पर भी इसी तरह के पॉइंट मिल जाएंगे जैसे हमें यहां पर पी वन पी टू पी थ्री पी फोर मिला, बिल्कुल उसी तरह के पॉइंट हमें यहां पर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन पी एट ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। सेम कंस्ट्रक्शन का मतलब यह है जैसा हमने यहां पे फाइव पार्ट में डिवाइड किए इधर और इधर, उसी तरह से यहां पे भी हमें यहां पे और यहां पे फाइव पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमने जैसा यहां पे M1, M2, M3, M4 किए, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे भी हमें M1, M2, M3, M4 ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर ये जो पार्ट है यहां से हमने 70 डिग्री इंक्लाइन एक्सिस को लाइन ड्रॉ किए थे पैरेलल, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहां पे भी करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें जैसे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिले थे बिल्कुल उसी तरह से क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमें यहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। सेम कंस्ट्रक्शन आप चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका यह है अगर आपके पास एग्जाम में, अगर आप एग्जाम में यह सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं और अगर आपके पास एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए समय कम है, तो आप सेम कंस्ट्रक्शन रिपीट करने के बजाय आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यह क्रॉस सेक्शन पॉइंट को डायरेक्टली उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली उधर शिफ्ट करेंगे तो भी बिल्कुल उसी टाइप के क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन दिया है, तो कुछ बुक्स में पॉइंट को उधर डायरेक्टली शिफ्ट करके पैराबोला कंप्लीट किया है। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे हैं आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम ये जो वन टू थ्री फोर ये जो पॉइंट्स हमें जो यहां पे मिले हैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, इसको हम डायरेक्टली उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बेस को एग्जैक्टली पैरेलल पी वन पी टू पी थ्री पी फोर से लाइन ड्रॉ करना है, बेस को पैरेलल चाहिए। तो पैरेलल ड्रॉ करने के लिए फिर से आप चाहे तो रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सिर्फ ये एक स्केल से करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये बेस को एग्जैक्टली ऐसा पैरेलल हम ऐसा स्केल यहां पे रखेंगे और ये पी वन से, देखो पी वन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पी टू से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पी थ्री और पी फोर से भी यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए क्रॉस सेक्शन पॉइंट P1, P2, P3, P4 से हमने यहां पे पैरेलल टू द बेस इस तरह की लाइन ड्रॉ किए हैं और ये सभी लाइंस हमने इधर के बॉक्स में लेके गए हैं। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये P1, P2, P3, P4 का डिस्टेंस कॉम्पास में लेना है और ये डिस्टेंस आपको उधर मार्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉम्पास ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने कॉम्पास ले लिए। अब कॉम्पास का यूज कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले पी वन की बारी, देखो ये जो पी वन की लाइन है हम क्या करेंगे, ये एक्सिस देखो बीच में क्या है, बीच में एक्सिस है, तो एक्सिस से ये P1 जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मार्क करो एक्सिस से, ठीक है। तो ये है, ये हमने कंपास ले लिए, कंपास में P1 से लेके एक्सिस तक का यहां तक का हम लेंथ ले लेंगे। देखो ये जो लेंथ है इसके तरफ आप ध्यान दो, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं। तो ये हमने इतना लेंथ ले लिए, P1 से एक्सिस तक का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। और अब क्या करेंगे, कंपास का सेंटर हम यहां पे रखेंगे और ये पॉइंट जितना लेफ्ट साइड में था उतना ही राइट साइड में मार्क करेंगे। तो ये देखिए ये हमने पॉइंट राइट साइड में अब मार्क कर रहे हैं, ये देखिए ये हमने राइट साइड में इधर पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है। जैसा P1 लेफ्ट साइड में है बिल्कुल उसी तरह का पॉइंट उधर राइट साइड में हमें मिल गया, बिल्कुल उसी तरह से P2 के साथ भी करेंगे। देखो ये जो P2 का लाइन जा रहा है, ठीक है, बीच में एक्सिस है, तो ये P2 एक्सिस के जितना लेफ्ट साइड में है उतना लेंथ आप कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने लेंथ कंपास में ले लिए, ठीक है। और ये अब पॉइंट जितना लेफ्ट साइड में था उतना ही राइट साइड में मार्क करो, उसी लाइन पे एक्सिस के ऊपर यहां पे रखो, कंपास का सेंटर हम यहां रखेंगे और ये हमने राइट साइड में यहां पे मार्क करेंगे। देखो ये हमने मार्क कर लिए, ठीक है, ओके। और अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट की बारी है, तो ये देखो P3, P3 जो है वो हम कंपास में ले लेंगे, P3 का लेंथ, ये P3 जितना लेफ्ट साइड में था उतना ही अब ये राइट साइड में हम मार्क करेंगे। ये देखो उसी लाइन पे ये हमने राइट साइड में मार्क किए। और अब उसी तरह से लास्ट में P4 है, तो ये P4 का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे, P4 जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही अब हमें इसको राइट साइड में मार्क करना है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे राइट साइड में मार्क कर लिए और सभी पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। P1, P2, P3, P4 तक हो गया था, तो यहाँ पे जो हमें नया पॉइंट मिला है ये है P5, ठीक है। अब आपको नेमिंग यहाँ पे बढ़ाना है, तो ये है P5, देन ये है P6 और ये है P7 और लास्ट में ये हमें मिल गया दैट इज P8, ठीक है।
और अब हमें बस क्या करना है, ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 ये सभी पॉइंट्स को अब हमें ज्वाइन करना है और ज्वाइंट आपको बेस से करना है, A से स्टार्ट करना है कर्व और यहां से होते हुए यहां पे B तक जाएगा। तो ये कर्व ड्रॉ करने के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्री हैंड ज्वाइन करो, ठीक है, या तो दूसरा तरीका यह है कि आप फ्रेंच कर्व का यूज करो। वैसे फ्रेंच कर्व का यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, फ्रेंच कर्व से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा फ्रेंच कर्व मार्केट में मिलता नहीं है, तो फिलहाल हम यहां पे फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने यहां पे एक कर्व ड्रॉ कर लिया है और ये हमें क्या मिला है, ये हमें एक पैराबोला कर्व मिल चुका है। ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये हमने फ्री हैंड ज्वाइन किया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, फ्री हैंड बनाने की वजह से। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सोल्यूशन बन के तैयार है। क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ अ पैराबोला इंस्क्राइबिंग द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर से हमें पैराबोला ड्रॉ करना था। तो ये हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाए और पैरेललोग्राम के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करके ये हमने पैरेललोग्राम के अंदर से एक पैराबोला ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एग्जाम में ड्रॉ करते समय इस तरह से आपको ड्रॉ करना है और ये डाइमेंशंस भी लिखना है। देखो 100 mm बेस और हमने स्लैंट हाइट यहां पे लिखा है 50 mm और एक्सिस का एंगल दैट इज 70 डिग्री का एंगल। और ये जो पैराबोला हमें मिला है ये थोड़ा सा झुका हुआ मिला है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड मिला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि इसके पहले जो हमने पैराबोला बनाए थे वो हमने रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ किए थे। तो रेक्टेंगल की साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है। देखो ऐसा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अंदर हमने पैराबोला ड्रॉ किए थे तो कुछ ऐसा था, वो आपको पैराबोला दोनों साइड में सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा था दोनों साइड में, ठीक है। ये आपको सीधा आपको पैराबोला दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसा हमने यहां वीडियो में स्टार्टिंग में बताए थे कि रेक्टेंगल को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा झुकाएंगे तो पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए इसके अंदर का जो पैराबोला है वो भी थोड़ा सा आपको झुका हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आपको ड्रॉ करते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए और ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क और फ्रेंड कंस्ट्रक्शन का आपको ध्यान में रखना है। यहां पे हमने जो कुछ भी रेड कलर के पेन से बनाया है वो आपको ड्राइंग बुक में फ्रेंड पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है और पैराबोला जो है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है और जो रिमेनिंग जो हमने ब्लैक कलर का जो हमने पेन से जो ड्रॉ किया है वो आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये था आज का पैराबोला बाय पैरेललोग्राम मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।